हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है NCL की। 5 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जो है 5 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है, जिसमें इसमें दिया गया है कि जो पैरामेडिकल जो स्टाफ थे उनके नोटिफिकेशन फाइनली शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट के लिए, अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कौन से डेट में होगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्टूडेंट जो हैं वो जाएंगे। एड्रेस है ऑफिसर क्लब NCL HQ सिंगरौली MP 4867-89। जिसमें से टाइम दिया गया है 9 AM से लेकर 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 PM तक होगा। और डेट जो है 21/12/2020 से लेकर 24/12/2020 के बीच में आपको जो है स्टाफ पैरामेडिकल के डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं। अब देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। कैंडिडेट फर्दर इंफॉर्मेशन टेक नोटिस दिया गया है, जिसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मिनिमम एसेंट्रियल क्वालिफिकेशन ऑफ अप्लाइड द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगा था वेरिफिकेशन करने में, फॉर्म भरने में, वो डॉक्यूमेंट जो है आपके ले के जाएँ। ओरिजिनल ID कार्ड प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID इशू, अन्य प्रकार की गवर्नमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल जो भी है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी के आते हैं, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC जनरल, जो भी कैटेगरी के अगर आते हैं, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अपनी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं। और आपको जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ज़रूर जाएं। और आप अपने नोटिफिकेशन के अनुसार रूल को ज़रूर पालन करें। आप देख सकते हैं सारे रूल को फॉलो करें और आप समय से पहले अपने जो है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराएं NCL में जाके। और NCL में आपका पता दिया गया है, आप हिंदी में देख सकते हैं, जो कि आपका समय अंतराल 21/12/2020 से लेकर 24/12/2020 में आप डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आप एक एक चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं और वीडियो को रोक के आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाएं वेरिफिकेशन कराने के लिए। ये डॉक्यूमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आप अपने फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट यूज किए। आप देख सकते हैं कि ये स्टाफ नर्स के लिए जो भरे गए थे, पैरामेडिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग, टेक्नीशियन ग्रेड, ये सारे जो पोस्ट भरे गए थे उस पोस्ट के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ है, वो फाइनली रिजल्ट को हम एक बार बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इस रिजल्ट में क्वालिफाई किए हैं। तो आप देख सकते हैं जो शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट है, पहले सेक्शन पेपर हुआ था, दूसरे सेक्शन पेपर हुआ था। पहले सेक्शन में उन्हें 60 नंबर पाया है, दूसरे सेक्शन में पाया है 29। टोटल हमारे 89 हो रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिसका रोल नंबर आप देख सकते हैं ये दिया गया है। आप अपना रोल नंबर ज़रूर चेक करें कि आपका नाम कहीं इस लिस्ट में तो नहीं है। आप देख सकते हैं जो है टोटल 49 स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें से फाइनली मार्क्स जो है वो 56 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। पहले पार्ट में 45 और दूसरे पार्ट में 11। देख सकते हैं कितना लो जो मार्क्स था, 56 मार्क्स, उसमें सिलेक्शन हुआ है। फाइनली 49 सीट थी जिसमें से सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं, लो कैटेगरी स्टूडेंट। अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दूसरे लिस्ट हम देख लेते हैं जो ट्रेनिंग पैरामेडिकल के लिए था। किसके लिए था? पैरामेडिक्स के लिए था। उसके लिए भी एक अलग से लिस्ट जारी हुई है, सारे स्टूडेंट के लिए अलग अलग लिस्ट जारी हुई है। इसमें टोटल 19 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब दूसरा लिस्ट देख लेते हैं। दूसरा लिस्ट जो है फोटोलॉजिकल है ट्रेनिंग ग्रेड के लिए, उसमें देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं। आप अपना रोल नंबर जरूर चयनित करें।
अगला जो है वो अगला है रेडियोग्राफर के लिए। रेडियोग्राफर के लिए देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं उनके इस लिस्ट में नाम है। अगला जो है फोटो, जो अगला ग्रेड है वो आप देख सकते हैं कितना लो, जो है 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जिसमें फाइनल जो मार्क्स है वो 61 पर उठाया गया है। टेक्निकल इंजीनियरिंग जो पोस्ट था फाइनली टेक्निकल टेक्नीशियन इंजीनियरिंग के लिए ट्रेनिंग ग्रेड के लिए जो पोस्ट था उसमें देख सकते हैं स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे वो कौन कौन से स्टूडेंट सिलेक्शन हुए थे उनके इस प्रकार के रोल नंबर दिए गए हैं। आप अपना रोल नंबर ज़रूर चेक करें कहीं इस लिस्ट में आपका रोल नंबर तो नहीं है। ये वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पल पल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।